बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ प्रोफेसर मुनव्वर फ्रॉम एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, फिरोजपुर रोड लाहौर। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में रुबाइयात के मतलब पढ़ा था और अलामा इकबाल की फ़िलासफ़ी के मतलब और अलामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी और उनकी शायरी के मतलब बातचीत की थी। तो अब हम रुबाइयात के जो तीन स्टैंजाज हैं उनके मतलब उनका तर्जमा और उनके मतलब डिस्कस करेंगे। तो ये पूरी पोएम जो है स्टैंजा नंबर 1, 2 और 3 ये मैंने वाइट बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो अब मैं इसको ट्रांसलेट करूंगा और साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और दूसरी साइड पर ये वर्ड्स सिनोनिम में हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो पेपर के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक, यानी कि ईमान हजरत इब्राहिम की तरह मजबूत होना चाहिए जब उनकी ज़िंदगी ख़तरे में थी। यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जब ख़तरे में थी तो उस वक्त उनका ईमान मुतज़लज़ल नहीं हुआ था, बल्कि काफ़रों ने उनको आग में फेंक दिया। इसके इलाही की पदाश में उनको खून खार शोलों में फेंक दिया गया था, लेकिन वो अपने इससे पीछे नहीं हटे। यानी कि अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह ताला के साथ जो उनकी मोहब्बत थी उसमें कमी नहीं आई थी। सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक, खुददारी और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना इस फेथ असल ईमान है। यानी कि खुददारी होनी चाहिए और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना, इसी को ही ईमान कहते हैं। हियर मी, इंसान मेरी बात सुनो, हियर मी मेरी बात सुन, यू हुम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, ऐ तहजीब हादर की मोहब्बत के असीर इंसान, तुझे इस दौर के तौर तरीके बहुत अच्छे लगते हैं। शायर मौजूदा नौजवानों से मुखातब है कि तुझे इस नई तहजीब के जो तौर तरीके हैं, मौजूदा दौर की जो तहजीब, इसके तौर तरीके बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन सच बात तो ये है, टू हैव नो फेथ इज़ वर्स देन स्लेवरी, ईमान ना होना ग़ुलामी से ज़्यादा बदतर चीज़ है। ईमान ना होना ग़ुलामी से ज़्यादा बदतर चीज़ है। यानी कि मौजूदा दौर की तहजीब से इतना ज़्यादा इंसान को, मौजूदा दौर के इंसान को, ख़ास तौर पर मुसलमान को मशहूर नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ईमान की ताकत होनी चाहिए। अगर ईमान की ताकत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी ग़ुलामी से ज़्यादा बदतर है। नेक्स्ट स्टैंजा में, तो इस पूरे स्टैंजा में हम देखते हैं कि फेथ को, ईमान को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, खुददारी और अल्लाह के इश्क में डूबने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है, और दूसरी तहजीब के जो तौर तरीके हैं उनसे अवॉइड, उनसे बचने के लिए एक नसीहत की गई है। और इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर इंसान के पास ईमान नहीं की ताकत नहीं है तो उसकी ज़िंदगी ग़ुलामी से भी ज़्यादा बदतर है। तो इसलिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक रेफरेंस दिया गया कि हज़रत इंसान का जो ईमान है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह पुख्ता होना चाहिए। स्टैंजा नंबर 2, म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, अजम का साथ अरब के सोच से यकजान है। मतलब ये कि कई ममालिक की ताने जो हैं इस्लाम की रूह में घुल मिल जाती हैं, इसके बाद ये दिल कश तराने में भी ढल जाती हैं। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड से मतलब है अजनबी जो सरजमीन है, स्ट्रेंज अजनबी को कहेंगे, गैर ममालिक की जो सरजमीन है। म्यूजिक से मतलब मौसीकी, लैंड से मतलब सरजमीन, विद इस्लाम फायर ब्लेंड यानी कि अजम की जो गैर ममालिक हैं या दूसरे कई ममालिक हैं उनकी मौसीकी जो इस्लाम की रूह में घुल मिल जाती है, फिर वो एक दिलकश तराने की शक्ल इख्तियार कर लेती है। ऑन विच द नेशन्स हारमनी डिपेंड, जिस पर कौम की हम आहंगी का इनसार होता है, और वो एक ऐसी चीज़ है जो कौमी कौम की हम आहंगी हारमनी यक वहदत का जो बायस बनती है। एम्प्टी ऑफ कॉनकॉर्ड इज़ द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की जो रूह है वो हम आहंगी से खाली है, यूरोप की जो रूह है वो हम आहंगी से, वहादत से, इतिहाद से, यूनिटी से खाली है। तो अलामा इकबाल फरमाते हैं कि जो यूरोप की रूह है उसमें वहादत नहीं रही, यानी कि यूरोप के लोगों में वहादत नहीं है, क्योंकि हू सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, क्योंकि उनकी तहजीब में रूह, उनकी तहजीब का रूह किबला की तरफ नहीं है। यानी कि जैसे मुसलमानों के पास एक मक्का जैसा मरकज़ है, यूरोप की तहजीबों के पास मक्का जैसा मरकज़ नहीं है, क्योंकि उनकी जो तहजीबें हैं वो डाइवर्स हैं, मुख्तलिफ तरह तरह की तहजीबें हैं, उनकी उनका जो कल्चर है मुख्तलिफ तहजीबों का मजमू है, जबकि इस्लाम की जो तहजीब है वो इस्लामी असूलों की बुनियाद पर है, और तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं
उनके पास एक वादत है, वो मक्का है जहाँ तमाम दुनिया के मुसलमान यकजान हो जाते हैं, अपनी यूनिटी और इतिहाद का मुजाहरा करते हैं। तो इसलिए यूरोप की जो रूह है वो हम आहंगी से खाली है, जबकि इस्लाम की जो रूह है, जो मशरिक़ी लोग हैं इनके जो रूह है वो इस्लाम से खाली, वो वहादत से खाली नहीं बल्कि इनके पास यूनिटी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौजूदा दौर का इंसान जो है वो मगरबी तहजीब का दिल दादा हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपने असल रास्ते से हट चुका है। स्टैंजा नंबर 3, लव्स मैडनेस हैज डिपार्टेड, मोहब्बत का जुनून, इश्क का जुनून, लव्स मैडनेस मोहब्बत का जुनून है डिपार्टेड, ख़त्म हो चुका है मुसलमानों में। यानी कि इस स्टैंजा में शायर मुसलमानों से मुखातब है और उनको तंबीह कर रहा है, ख़बरदार कर रहा है कि मुसलमानों में मोहब्बत का जुनून यानी कि अल्लाह की मोहब्बत का जो इश्क है वो दम तोड़ चुका है, ख़त्म हो चुका है। द मुस्लिम्स वेन द ब्लड रन्स थिंथ, मुसलमानों के रोगों में खून पतला हो चुका है, यानी कि मुसलमान जो है इसके इलाही से, अल्लाह ताला के इश्क से महरूम हो चुके हैं, यानी कि मुसलमानों के दिलों में अब अल्लाह ताला का इश्क जो है वो मान पड़ गया है, यही वजह है कि उनका खून पतला हो गया है। रैंक्स ब्रोकन से मतलब उनकी सफ़ेद दरम बरम हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं, यानी कि वो तो फिरकात का शिकार हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरकों में बढ़ चुके हैं। हार्ट्स परप्लेक्स, यही वजह है कि उनके दिल परेशान हैं, वो अफसरदा हैं। प्रेयर्स कोल्ड, अब उनको अपनी नमाज़ों में भी मज़ा नहीं आता, उनकी जो है नमाजें हैं जो दुआएँ वो बेलुत्फ़ और बेमानी हो चुकी हैं। नो फीलिंग डीपर दैन द स्किन, और उनके जितने भी जज्बात हैं वो सिर्फ दिखावे के हैं और उनमें कोई हकीकत नहीं रही, उनके जो जज्बात हैं वो सतही हैं, ऊपर की सतह पर हैं, उनमें गहराई नहीं रही, यानी कि उनमें इसके इलाही का जज्बा जो है वो बिल्कुल मान पड़ चुका है, यही वजह है कि वो परेशान है। आज उनको अपनी दुआओं में, उनको नमाज़ों में, उनको अपनी इबादत में कोई लुत्फ़ सुरूर नज़र नहीं आता और इसी वजह से वो परेशान है, क्योंकि वो इसके इलाही से महरूम हो चुके हैं और वो मगरबी तहजीब के शिकार हो चुके हैं। तो बच्चों ये 3 स्टैंजास थे जिनका मैंने तर्जमा किया है, और अब हम इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम जो हैं वो डिस्कस करेंगे। फेथ का मतलब बिलीफ, एतकाद, एट स्टेक का मतलब इन डेंजर, ख़तरे में होना, सेल्फ ऑनरिंग, सेल्फ रेस्पेक्ट, खुददारी, कैप्टिवेट, फैसिनेट, मशहूर हो जाना, असीर हो जाना, स्लेवरी, बॉन्डेज, गुलामी को कहते हैं, ब्लेंड, मिक्स, मिलजुल जाना, घुल मिल जाना, हारमनी, यूनिटी, वहादत, हम आहंगी को कहते हैं, मैडनेस, डिवोशन, अकीदत, जुनून को कहेंगे, डिपार्टेड, एंडेड, ख़त्म हो जाना, परप्लेक्स, अपसेट, परेशान होना। तो बच्चों हमारा जो दूसरा लेक्चर है रुबाइयात के मुतालिक, ये तर्जमा, एक्सप्लेनेशन और उसकी जो ट्रांसलेशन है वो है, और उसके मैंने सिनोनिम भी बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।